प्रदेश निजी चालक बस संघ की सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में निजी बस चालकों की लंबी समय से लंबित चली आ रही मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें पुरानी बसों के परमिट हस्तांतरण व HP02 बसों के पंजीकरण सहित निजी बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग रखी। इन मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा के बाद सभी मांगों को उप मुख्यमंत्री ने मानने का आश्वासन दिया। साथ ही न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग को सिरे से नकारते हुए साफ किया कि इस तरह के फैसले कैबिनेट मंजूरी के बाद होते हैं। हमारी सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा ये था कि हम अपनी बस को जो चलाते हैं वो 8 साल के बाद हम अपने रूट पे नहीं चढ़ा सकते। आज 40 लाख रुपए की बस 8 साल के बाद अगर स्क्रैप हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। 8 साल में बैंक का कर्जा ख़त्म होता है और बहुत छोटे छोटे पहलू थे जिसका ना तो सरकार को फ़ायदा हो रहा था ना ही जनता को फ़ायदा हो रहा था, केवल मात्र नुकसान जो है वो निजी बस ऑपरेटर का हो रहा था, जिसको डिटेल चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला जैसी स्थिति पहले थी 12 साल तक की उसे वैसे ही रेगुलर किया जाएगा, ये जो 8 साल वाला मुद्दा है इसको नहीं करेंगे। दूसरी बात थी जो HP02 की बसें हैं उनका जनवरी 21 से लेकर आज दिन तक टैक्स पे नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका एक बस का जो टैक्स है 45 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा था, लोग दे नहीं पा रहे थे। उन्होंने तत्काल ही प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से कहा हमें लोगों को मारना नहीं है, फैसिलिटी भी देनी है, जो काम करता है वो भी कमाएगा, तो ऐसे कैसे होगा। तो इसको बिल्कुल जो जायज़ वायबिलिटी जैसे बस की भी वायबिलिटी हो बिल्कुल जल्द से जल्द इसको अमली जमा बनाया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16